नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जनपद मिर्जापुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है, धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसके पीछे जो आम जनमानस होली मना पाती है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जबरदस्त रोल होता है। और हमारे साथ संजय वर्मा जी, एसपी सिटी मौजूद हैं, और हम आपसे सीधे जानना चाहेंगे कि इतनी भारी तादाद में फोर्स के साथ आज नगर भ्रमण क्यों हो रहा है। सर, आपका बहुत स्वागत है सर टीवी 100 में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप जान रहे हैं कि होली एक संवेदनशील त्यौहार है और उसी दिन समय बरात का भी त्यौहार है, तो और साथ का शुक्रवार भी है, तो उस मद्देनजर हमारे पूरे शहर में चप्पे चप्पे मैंने पुलिस लगा रखी है और क्यूआरटी टीम से लेकर के पीएससी 3 प्लाटून हमने लगा रखी है जगह जगह, बल्कि रंग रूटों को भी हमने जत्था 12 स्थानों पर लगा रखा है ताकि जो है सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। और हमने रूट टॉप ड्यूटी भी लगा रखी है कुछ जगह पर जहाँ संवेदनशील स्थान है तथा जहाँ मिक्स आबादी के प्लेसेज हैं वहाँ पर जो है हमने क्या कहते हैं क्यूआरटी टीम भी हमने लगा रखी है ताकि जो है सारी जो हमारे जनपद की जैसा कि इलेक्शन बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, उसी तरह से होली का त्यौहार और शबे बारात का त्यौहार सब कुछ संपन्न हो। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो होली पर, और मैं जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि लोग जो है होली को ढंग से मनाएं, 12:30 तक होली मनाएं, उसके बाद नमाज के समय पर उनका सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जो गंगा जमुनी सरस्वती संस्कृति यहाँ की है, एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल होते हैं लोग और बड़े हर्षोल्लास के साथ मिलके भाई बंधुता के साथ जो है मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपील करूंगा कि लोग त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएं, मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन इसको जो है कहीं पर कोई ऐसी घटना अगर समझ में आती है, कोई बात अगर लगता है, कोई आशंका है, तो समय से पुलिस को अवगत कराएं ताकि हम लोग उसका निर्धारण कर सकें। जी बहुत सर, तमाम चूंकि आज नगर के कई क्षेत्र में आज ये जो है भ्रमण हो रहा है, इससे जो आम जनमानस में शांति प्रिय लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है और अपराधियों में खौफ भी पैदा होता है सर इससे। तो आपको लगता है कि इसके पिछले पहली बार भी जब आपने ये इस तरीके से पद यात्रा किया था तो काफी लोग पकड़े भी गए थे इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं, तो जो आम जनमानस में जो लोग शांति प्रिय सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं उनके लिए भी सर क्या संदेश जाता है? देखिए, निश्चित तौर से ये सारी जो कवायद है, सारी जो सिस्टम है, सारा जो व्यवस्थापन है कानून व्यवस्था का, वो अच्छे लोगों के लिए है, जो शांतिप्रिय लोग हों, जो अच्छे लोग हैं, जो जिन पे जिनका कानून का जिन पर विश्वास है, उसके लिए ही हम लोग ये कानून का निश्चित तौर से एक विश्वास पैदा करते हैं, एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, इसीलिए हम ये सब कार्य करते रहते हैं ताकि गुंडा तत्वों पर जो अराजक तत्व हैं उन पर हम लगाम लगा सकें, उन पर कार्रवाई कर सकें तथा अच्छे लोग जो है समाज के जो हितकर हैं उन पर हम उनकी उनको उनको जो है ऐसा माहौल दें ताकि वो विकास कर सके, आगे बढ़ सके और शहर की शांति और व्यवस्था बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जिस तरीके से एसपी सिटी मिर्जापुर ने आज जो व्यवस्था देखने को मिला, होली शांति ढंग से संपन्न हो सके, तमाम फोर्स के साथ, तमाम व्यवस्थाओं के साथ, तमाम नगर के बड़े इलाके में, खास तौर पे जो चाहे वो संवेदनशील इलाका हो चाहे सामान्य इलाका हो, पूरी फोर्स के साथ जिस तरीके से आज नगर भ्रमण में निकले हैं, निश्चित रूप से लोगों का त्यौहार कुशलतापूर्वक मन सके, इसका एक कवायद की जा रही है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।